सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखना, जैसे ब्रह्म हत्या घोरतम पाप है, किसी ब्राह्मण को मार देना महापाप है, वैसे ही सोना चुरा लेना भी महापाप है। आप सुन रहे हैं ना, सोने की चोरी कर लेना, स्वर्ण की चोरी कर लेना, वो चाहे एक कण हो चाहे एक मन हो, वो मात्रा की बात नहीं है। पर आप सोचोगे साहब ब्रह्म हत्या करना, गो हत्या करना, शराब पीना तो पाप हो सकता है, पर सोना तो सोना चुराने में क्या जाता है? शराब पीना भी महापाप है। आज की वर्तमान काल की शिक्षा पद्धति के कारण, जीवन शैली के कारण लोग इसको उतना समझ नहीं रहे। शास्त्रों में प्रत्यक्षतया प्रायः सब पापों का प्रायश्चित है, पर सुरापान का प्रायश्चित नहीं है। और कदाचित ये तक कहा गया है कि शराब पीने से जो पाप लगता है उसका कोई प्रायश्चित कर भी ले तो परलोक तो संवर सकता है, पर वर्तमान काल का ये शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। स्वर्ण की चोरी करना भी उतना ही बराबर का पाप है जितना ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या करना पाप है। पर लोग प्रलोभन के कारण इस बात को महत्व नहीं देते। और एक और गजब की बात बताऊं, पांचवा तो इतना खतरनाक पाप है। इन चार प्रकार के, शराब पीना है, गोहत्या करना है, ब्रह्म हत्या करना है, गुरुतल्प गमन करना है, सुरापान है, इत्यादि जो पाप हैं, पांचवा व्यक्ति तो बिना मतलब के मारा जाता है। इन चारों लोगों का संग कर ले, समर्थन कर ले, संग भोजन कर ले तो बराबर का पापी हो जाता है। तत्संसर्गी च पंचमः। ये आपको आश्चर्य की बात बताऊं, आप सोच भी नहीं सकते। शास्त्र कहता है, माना कि आपने गोहत्या नहीं की, माना कि आपने शराब नहीं पी, सुरापान नहीं किया, माना कि आपने ब्रह्म हत्या नहीं की, परंतु जिस व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की, जिस व्यक्ति ने सुरापान किया, जिस व्यक्ति ने गोहत्या की, उस व्यक्ति के संसर्ग में आप रह गए, उसके साथ आप रह गए, उसका समर्थन आपने किया, तो फिर आपको भी उतने ही बराबर का पाप का भागी होना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां पर यह विचार बहुत रहा है कि किन लोगों के साथ में बैठें, किन लोगों के साथ में रहें और कहां हमारा जीवन जिया जाए। उसका संसर्ग करने वाला पांचवा है। पंच उग्र पापों में चार का उल्लेख है, पर पंचम को कहा कि इनका संग देने वाला तो ऐसे ही मारा गया।